आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विजन पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये जो लेक्चर हम बना रहे हैं, ये सब लेक्चर्स हमारे यूपी टेट सी टेट के लिए मेनली बनाए जा रहे हैं और साथ ही ये आपको यूज काम में आएंगे। UPSI, NTPC, SSC इन सब एग्ज़ाम में भी काम में आ जाएंगे, लेकिन मेनली हमारा पर्पस है यूपी टेट और सी टेट के लिए। और दोस्तों, हम लोग इस समय सिंप्लीफिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे। इसके पहले मैंने सिंप्लीफिकेशन पर 6 वीडियोस बना दिए हैं और उनमें 34 क्वेश्चंस पूरे सॉल्व करवाए हैं। आज हम 35 क्वेश्चन से पढ़ाना शुरू करेंगे और उन पर शॉर्टकट ट्रिक देखेंगे, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन 1 से 2 सेकेंड में ही सॉल्व हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके पहले वाला वीडियो जो पार्ट 6 था, उसको पहले आप देख लीजिएगा, तभी ये वीडियो पार्ट 7 आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी तक तो जब हम लोग पार्ट 6 में जो वीडियोस बनाए थे, उसमें था कि अंदर या तो मेरा पूरा प्लस में था, या तो अंदर मेरा पूरा माइनस में था, या तो साइन पूरा प्लस था, या तो साइन पूरा माइनस था, और ये इन्फिनिटी तक टेंड कर रहा था, मतलब इन्फिनिटी तक हमारा ये सीरीज जा रहा था। ठीक है, ऐसा था क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर क्या है, अल्टरनेटिव चल रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस, और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको माइनस प्लस माइनस प्लस इस तरह दिखाई देगा। तब इसमें क्या हम लोग करते हैं, इसके लिए ट्रिक क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। दोस्तों, जब भी ऐसा केस आया गया, तो ये पहला वाला जो होता है वो हम ए इसको मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। ठीक है, तो फार्मूला इसके लिए हम लोग का क्या होता है, जब प्लस माइनस हमारा अल्टरनेटिव होता है, तो वहाँ पर फार्मूला यूज करते हैं, अंडर रूट में 4a - 3, ठीक है, अपॉन 2। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा 4a मतलब क्या हो जाएगा, 4 × 6 = 24, 24 - 3 अपॉन 2, 21, अंडर रूट में 21 अपॉन 2 आ गया। ठीक है दोस्तों, अंडर रूट में क्या आ गया, 21 अपॉन 2 आ गया। बट दोस्तों, अगर ये पहला वाला मेरा जो साइन है, अगर प्लस रहेगा, तो हम न्यूमरेटर में क्या करेंगे, प्लस 1 ऐड कर देंगे। न्यूमरेटर में क्या करेंगे, प्लस 1 ऐड कर देंगे। अगर यही हमारा पहला वाला माइनस रहता, तो हम लोग न्यूमरेटर में क्या करते हैं, माइनस 1 कर देते हैं। न्यूमरेटर को अंश भी बोला जाता है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 में दिया है, अंडर रूट में 11 माइनस, अंडर रूट में 11 प्लस, अंडर रूट में 11 माइनस, ये कैसे जा रहा है हमारा, इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, वही फार्मूला रहेगा, अंडर रूट में 4a - 3 अपॉन 2, और फिर हमारा पहला प्लस रहेगा, पहला प्लस रहेगा तो प्लस 1 कर देंगे, और पहला वाला माइनस रहेगा तो माइनस 1 कर देंगे। तो ये हमारा पहला माइनस 1 है, तो इसमें माइनस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो 4a मतलब ए हमारा 11 है, तो 4a मतलब 44 हो गया, और माइनस 3 करना है, माइनस 3 करेंगे अपॉन 2 हो गया, ये हो गया हमारा 41 अपॉन 2, और ये पहला वाला माइनस है, तो हम न्यूमरेटर में क्या करेंगे, माइनस 1 लिख देंगे। ठीक है, माइनस 1 क्या करेंगे, लिख देंगे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ, दोस्तों पहला ऑप्शन मेरा सही हो गया। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, हम लोग का जो 37 वाला क्वेश्चन है, ये दूसरा पैटर्न का हो गया। ठीक है, ये दूसरा पैटर्न क्या हो गया, क्योंकि देखिए इसमें जो हमारा स्क्वायर रूट है, इसमें हर दूसरा नंबर डिफरेंट डिफरेंट है। उस इसके पहले मैंने जो क्वेश्चन करवाया है, उसमें सारे नंबर्स एक ही थे। ठीक है दोस्तों, इसमें इन्फिनिटी तक जा भी नहीं रहा है। जब दोस्तों दूसरे दूसरे नंबर आ जाते हैं और इन्फिनिटी तक नहीं जाते हैं, तो जब उसको सॉल्व करना होता है, तो हम लोग पीछे से सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्क्वायर रूट में 49 लिखा है। तो दोस्तों, स्क्वायर रूट में 49 की वैल्यू हमारी क्या होती है, 7 होती है, जैसा कि आप जानते हैं। तो अब 7 57 के साथ ऐड हो जाएगा, तो मतलब अब स्क्वायर रूट में हमारा क्या हो गया, 57 + 7, क्योंकि ये पूरे स्क्वायर रूट में ये दोनों था ना, तो प्लस 7 इसी में ऐड होगा। तो 57 और 7 हम लोग ऐड करेंगे, तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट हमारा 64 हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट 64 की वैल्यू 8 होती है। अगर आपको ये स्क्वायर रूट नहीं निकालने आता है, तो दोस्तों मेरा प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, वहाँ पर मैं स्क्वायर निकालना भी सिखाया हूँ और स्क्वायर रूट निकालना भी सिखाया हूँ, बेसिक कैलकुलेशन सीरीज के नाम से मेरा प्लेलिस्ट है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मेरा ये 8 हो गया, तो ये हमारा 8 इसमें ऐड हो जाएगा, तो अब स्क्वायर रूट में मेरा क्या हो जाएगा, 136 + 8 मतलब 144 हो जाएगा स्क्वायर रूट में। तो 144 स्क्वायर रूट किसका होता है, 12 का होता है, तो हमारा 12 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग को पीछे से सॉल्व करना है, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा और ये डिफरेंट डिफरेंट नंबर है। अगर सेम नंबर आता तो उसके लिए कुछ और होता। ठीक है,
तो चलिए यहाँ पर अब देखते हैं, 29 और प्लस 7 कितना होता है, 36 होता है। तो 36 का हमारा स्क्वायर रूट क्या होता है, 6 होता है। तो अब ये क्या हो गया, अंडर रूट में 19 प्लस 6 हो गया, मतलब अंडर रूट में 25 हो गया। अंडर रूट में 25 की वैल्यू हमारी क्या होती है, 5 होती है। अब ये 5 किसके साथ अटैच हो जाएगा, अंडर रूट में 11 प्लस 5 दोस्तों, ये हो गया अंडर रूट में 16। अंडर रूट में 16 मतलब हमारी वैल्यू 4 हो गई। तो ये 4 किसके साथ ऐड हो जाएगा, 5 के साथ। तो ये दोस्तों 9 हो गया अंडर रूट में, अंडर रूट में 9 की वैल्यू 3 होती है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब ये दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें देखिए स्क्वायर रूट को ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं और क्यूब रूट को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। स्क्वायर रूट में यहाँ 2 छिपा होता है, लिखा नहीं जाता लेकिन छिपा होता है। क्यूब रूट में यहाँ पर 3 लिख दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए स्क्वायर रूट भी दिया है और क्यूब रूट भी दिया है, स्क्वायर रूट भी दिया है और क्यूब रूट भी दिया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पीछे से शुरू करते हैं। इसका स्क्वायर रूट कितना हुआ, 7 हुआ। तो अब दोस्तों देखिए ये क्यूब रूट में हमारा क्या हो जाएगा, 722 प्लस 7 हो जाएगा। 7 इसकी वैल्यू और 7 ये प्लस में है स्क्वायर रूट, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, 722 प्लस 7 हो गया। तो ये हमारा क्यूब रूट में क्या हो गया, 729 हो गया। तो दोस्तों 729 9 का क्यूब होता है, 729 किसका क्यूब होता है, 9 का होता है। तो मतलब हमारा क्या हो गया, अब स्क्वायर रूट में 16 और ये प्लस 9 हो जाएगा। दोस्तों स्क्वायर रूट में अभी 25 की वैल्यू मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में निकलवाई तो वो 5 हो जाएगा। ये 5 जिससे जाके ऐड हो जाएगा क्यूब रूट में, 59 59 प्लस 5 मतलब क्यूब रूट में मेरा क्या निकलना है दोस्तों, 64 निकलना है। तो 64 मतलब किसका 64 हमारा क्यूब रूट होता है, वो होता है हमारा 4 का। 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है। ठीक है, तो अब 4 हमारा किससे जाके अटैच हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर रूट में 21 से हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट में 21 प्लस 4, ठीक है दोस्तों। तो स्क्वायर रूट में 25 और स्क्वायर रूट में 25 की वैल्यू क्या होती है, 5 होती है दोस्तों। स्क्वायर रूट में 25 की वैल्यू क्या होती है, 5 होती है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इस वीडियो को बार बार देखिएगा अगर आपको समझ में एक बार में नहीं आता है, और इसको अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अगर पसंद आता है, और कमेंट करके बताइएगा कि मैंने वीडियो कैसा बनाया। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, और दोस्तों इस सब जितने भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ इन सबको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक वॉल पेज पे और टेलीग्राम ग्रुप से आप जहाँ जहाँ जुड़े वहाँ पर शेयर कर दीजिएगा, जिससे सभी लोग इसका बेनिफिट्स उठा पाएँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।